प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 254 करोड़ की लागत से निर्मित कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व भर के बौद्ध समाज के लिए भारत श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यह सुविधा उनकी श्रद्धा को अर्पित पुष्पांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक की संपूर्ण यात्रा का साक्षी या क्षेत्र आज सीधे दुनिया से जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकन एयरलाइंस का जहाज कुशीनगर में उतरना इस पुण्य भूमि को नमन करने की तरह है। देश सबका साथ और सबका प्रयास की सहायता से सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुशीनगर का विकास उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट दशकों की आशाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह क्षेत्र सिर्फ भारत के अनुयायियों के लिए ही नहीं बल्कि देश के सभी नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ा श्रद्धा व आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी का माध्यम बनने के साथ साथ किसान, पशुपालक, दुकानदार, श्रमिक, उद्यमी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ यहाँ के टूरिज्म, ट्रेवल, टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट, छोटे छोटे बिजनेस वालों को मिलेगा तथा इस क्षेत्र के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन किसी भी स्वरूप में हो आस्था एवं आनंद के लिए है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि रेल, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का यह पूरा स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ होटल, हॉस्पिटल, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी, सफाई व्यवस्था, सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लांट, यह अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन सभी का एक साथ कार्य करना जरूरी है। अब 21वीं सदी का भारत इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में अब एक नया पहलू भी जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि एयर कनेक्टिविटी को देश में उन लोगों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी लक्ष्य के साथ उड़ान योजना को 4 साल पूरे हो रहे हैं। उड़ान योजना के बीते सालों में 900 से अधिक रूटों को स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इनमें 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 3-4 सालों में कोशिश यह है कि 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपैड और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोन के नेटवर्क भी देश में तैयार हो। बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच एयरपोर्ट पर भारत का सामान्य मानवीय चेहरा दिखने लगा है। मध्यम वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ ले रहे हैं। उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में नए एयरपोर्ट से फ्लाइट शुरू हो चुकी है। लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर के बाद जेवर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, मुरादाबाद में भी नए एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द मजबूत हो जाएगी। इससे घरेलू यात्रियों, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का एविएशन सेक्टर प्रोफेशनली चले, सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता मिले, इसके लिए हाल ही में एयर इंडिया से जुड़ा कदम देश ने उठाया है। यह कदम भारत के एविएशन सेक्टर को एक नई ऊर्जा देगा। भारत के युवाओं को यही बेहतर ट्रेनिंग मिल रहे, इसके लिए देश के 5 एयरपोर्ट में नई फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने हेतु प्रक्रिया शुरू की गई है। ट्रेनिंग के लिए एयरपोर्ट के उपयोग से जुड़े नियमों को भी सरल किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद लगातार उपेक्षित था, इसके विकास की एक नई उड़ान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद व सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक नागरिकों को प्राप्त हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री बनने के साथ प्रधानमंत्री ने बौद्ध सर्किट की इस परिकल्पना को साकार करना प्रारंभ कर दिया और आज उसका परिणाम है कि बौद्ध सर्किट न केवल सड़क मार्ग बल्कि वायु मार्ग से भी जुड़ गया है। इस क्रम में अंतर्राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 से लेकर 2014 तक उत्तर प्रदेश में केवल दो एयरपोर्ट फंक्शनल थे, पहला लखनऊ और दूसरा वाराणसी। प्रदेश की कनेक्टिविटी उस समय मात्र 15 से 16 स्थानों के लिए थी और आज प्रधानमंत्री के कर कमलों से इस एयरपोर्ट का लोकार्पण होने जा रहा है। यह प्रदेश का 9वां फंक्शनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश 75 गंतव्य स्थानों पर वायु सेवा के साथ सीधे जुड़ जाएगा और उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी हर एक शहर के साथ जुड़ी है और विकास की ढेर सारी योजनाओं को अपने साथ लेकर आ रही है। कुशीनगर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य हो रहा है, जिसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या तथा नोएडा में निर्माण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में न केवल हमें उत्तर प्रदेश के विकास को बल्कि पर्यटन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए और उसके माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने का हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बना है। इस अवसर पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी का स्वागत करते हुए एयरपोर्ट की विशेषताओं के बारे में बताया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित केंद्र एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण एवं जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। साथ समूचे राष्ट्र के तरफ स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुछ Yes, now he has folded his... स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। टू द स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड ऑफ रोब एंड नाउ ही इज बीइंग ऑफर्ड चेंजिंग ग्रीटिंग्स विद हिम द्वारा जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमात जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना इस 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया। द प्राइम मिनिस्टर इज ऑफरिंग चीवरदान टू लॉर्ड बुद्धा विद द हेल्प ऑफ बुद्धा संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है, भिक्खवे आमंत्रणे वे हैपनिंग इज पेरिशेबल एंड दैट विल फिनिश सम टाइम एंड यू शुड की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु को परिनिर्वाण मुद्रा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं और साथ ही साथ यहां पर जस्ट अवेकिंग द वर्ल्ड we are waiting about Lord Buddha so much and he is feeling so happy, he has expressed gratitude and यहां प्रस्तुत now coming out. होती है कुशीनगर पहुंचने की और जो कि भारत पराक्रम भी विश्व के सामने स्थापित करता है तब जबकि हम पूरी दुनिया को शांति का ममत्व का समत्व का बिन पटेल एंड द यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी तरीके से जहाज में लाए जाने के बाद जब यह होता ही है साथ ही साथ ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से समूचे एशिया चर्य का मार्ग भारत ने दिखाया और ये नीतियां नरेंद्र मोदी बोध वृक्ष का वृक्षारोपण पौधारोपण कर रहे हैं। इस महामंदिर को ज्ञान की प्राप्त हुई थी वो मिनिस्ट्रीज जस्ट गिविंग वाटर इंक्लूडिंग के देशों से वहां से सीधी उड़ानें संचालित होंगी। आज पहला जो विमान यहां पर इस धरातल पर उतरा इस विमानतल पर उतरा वो श्रीलंका से आए हुए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल का था जा रहा है और ये अवसर हम सब के लिए गरिमा से भरा अवसर है। मिली है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक बार करतल ध्वनि से आइए हम हार्दिक स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिनका शुभागमन इस मंच पर हो चुका है। देवियों सज्जनों आप सभी करतल ध्वनि के साथ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है देश का गौरव बढ़ाया है अपने व्यक्तित्व से अपने कृतित्व से उनका आगमन आप सबकी एक करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर देवियों सज्जनों। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री महोदय अपने कर कमलों से अर्चना से नमो तस्स भगवतो
माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने की है। एक बार पुनः नमन है। देव सज्जनों, चिवरदान किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी बौद्ध भिक्षु के जीवन में चार जो प्रक्रियाएं हैं, चरण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें रूप है और महीने में दो बार उपवास रखना प्रत्येक बौद्ध भिक्षु के लिए और रहे हैं और उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के संबंध इतने प्रगाढ़ घनिष्ठ हैं जो भौगोलिक व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे बौद्ध भिक्षु जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया है, अपनी साधना से, अपने चिंतन से दायित्व का निर्वहन करने में माननीय प्रधानमंत्री, भारत देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हम सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वरिष्ठ जो भी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपने जीवन से, अपनी साधना से, अपने चिंतन, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का देवियों सचनों। श्रीलंका श्री नमल राजपक्षा इज ऑल्सो ग्रेसिंग द ओकेजन। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर सर मिस्टर राजपक्षा। सर्वतर महासंघरत्न अवसराय, हिस एक्सेलेंसी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, द गवर्नर, हिस एक्सेलेंसी द चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश गेस्ट, Aibowan, Vanakkam, Namaste. It gives me a great pleasure and honor, Your Excellency, to be on the inaugural international flight to Kushinagar International Airport along with Mahasangha on this auspicious day of Vappoya, where we believe Mahaparinirvana of Lord Buddha took place. I recall it was Honorable Sri Narendra Modi, the Prime Minister of India, suggested to Prime Minister of Sri Lanka on a virtual bilateral summit that was held September 2020 that 100 members from the Buddhist clergy must join for the inaugural flight to Kushinagar, operated by Sri Lankan Airlines. Your Excellency, it's an honor we will cherish for years to come. Later today, our delegation led by Venerable Mahasangha will be visiting Varanasi, where many Sri Lankan Buddhist pilgrims visit annually. Incidentally, it happened to be the constituency of His Excellency, the Prime Minister Narendra Modi. Dear friends, Excellencies, the greatest gift that Sri Lanka has ever got from India is Buddhism. Ever since it arrived, the relationship between people to people in our countries have been growing strength to strength. Mahinda Rajapaksa, the Prime Minister of Sri Lanka, commissioned the translation of Bhagavad Gita into all languages that has been spoken, that we speak in Sri Lanka. We believe that this will not only benefit the Sri Lankans, but everyone all over the world. It symbolizes the role India has played in our history and the role India will play in the future. I would also like to thank Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for extending a grant of $15 million to Sri Lanka to strengthen the Buddhist ties between our two nations. Your Excellency, the name Mahinda has played an important role in the history of our countries. The Mahinda I'm referring here is your Prince Mahinda, who is the son of King Ashoka, venerably known in Sri Lanka as Mihindu Maharathan Vahanse, who bought the most treasured gift, Buddhism, to Sri Lanka from India, ushering us a new culture and a peaceful way of life. Your Excellency, I believe today that you have created history once again by opening the doors to Kushinagar, Buddhists not only from Sri Lanka
but from all over the world. We'll be able to visit one of the most sacred sites in Buddhism. May you be blessed, Your Excellency, may you be blessed for this meritorial act, and may you be remembered forever. Thank you. मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि वे आज के इस पावन अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पहले इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय श्री किरेन रिजिजू जी, जनरल वीके सिंह जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, श्रीलंका से यहां पर पधारे माननीय मंत्री श्री राजपक्षे जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे श्रीलंका से इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पूज्य भिक्षुगण, सभी माननीय राजदूतगण, श्रीलंका और भारत के भी कोने कोने से उपस्थित सभी उपस्थित पूज्य संत और भिक्षुगण, तथागत भगवान बुद्ध की इस महापरिनिर्वाण स्थली पर मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और आज के इस अभिधम्म दिवस पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिवस हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान बुद्ध की मैत्री और करुणा का संदेश देता रहा है। आज एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट के माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ने भगवान बुद्ध की इस मैत्री और करुणा को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक बार पुनः स्थापित करने की भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, क्योंकि भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक स्थान उत्तर प्रदेश में हैं और यह मान्यता है कि आज ही के दिन इस अभिधम्म दिवस के अवसर पर संकिसा में भगवान बुद्ध का विशेष अवतरण भी वहां पर माना जाता है और इस अवसर पर श्रीलंका से आया हुआ यह उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज इस बात का साक्षी बन रहा है। मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से कुशीनगर को इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के उपलब्ध कराने और इस अवसर पर श्रीलंका से इस पहली उड़ान के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी आगंतुक अतिथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का। और देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको प्रेरणा दें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नमो बुद्धाय,
इस पवित्र मंगल कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, किरण रिजिजू जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्रीलंका से कृष्णनगर पधारे श्रीलंका सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीमान नमल राजपक्षा जी, श्रीलंका से आए अति पूजनीय हमारे अन्य अतिथिगण, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, भूटान और दक्षिण कोरिया के भारत में एक्सलेंसी एम्बेसडर्स, श्रीलंका, मंगोलिया, जापान, सिंगापुर, नेपाल और अन्य देशों के वरिष्ठ राजनयिक, सभी सम्मानित भिक्षुगण और भगवान बुद्ध के सभी अनुयायी साथियों, अश्विन महीने की पूर्णिमा का ये पवित्र दिन कुशीनगर की पवित्र भूमि और अपने शरीर अंशों रेलिस के रूप में भगवान बुद्ध की साक्षात उपस्थिति, भगवान बुद्ध की कृपा से आज के दिन कई अलौकिक संगत, कई अलौकिक संयोग एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अभी यहां आने से पहले मुझे कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया से करोड़ों बुद्ध अनुयायियों को यहां आने का अवसर मिलेगा, उनकी यात्रा आसान होगी। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका से पहुंची पहली फ्लाइट से अति पूजनीय महासंघ, सम्मानित भिक्षुओं और साथियों ने कुशीनगर में पदार्पण किया है। आप सभी की उपस्थिति भारत और श्रीलंका की हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का संदेश सबसे पहले भारत से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा लेकर गए थे। माना जाता है कि आज के ही दिन अरहत महिंदा ने वापस आकर अपने पिता को बताया था कि श्रीलंका ने बुद्ध का संदेश कितनी ऊर्जा से अंगीकार किया है। इस समाचार ने यह विश्वास बढ़ाया था कि बुद्ध का संदेश पूरे विश्व के लिए है, बुद्ध का धम्म मानवता के लिए है। इसलिए आज का ये दिन हम सभी देशों के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का भी दिन है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं कि आप आज भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर उनके सामने उपस्थित हैं। मैं श्रीलंका और दूसरे सभी देशों से आए हमारे सम्मानित अतिथिगणों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो अति पूजनीय महासंघ हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपने हम सबको भगवान बुद्ध के अवशेष स्वरूप रेलिक्स का दर्शन का सौभाग्य दिया है। यहां कुशीनगर के इस कार्यक्रम के बाद
आप मेरे संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जा रहे हैं, आपकी पवित्र चरण रज वहां भी पड़ेगी, वहां भी सौभाग्य लेकर आएगी। साथियों, मैं आज इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के सभी सदस्यों को भी बधाई देता हूं। आप जिस तरह आधुनिक विश्व में भगवान बुद्ध के संदेश को विस्तार दे रहे हैं, वह वाकई बहुत सराहनीय है। आज इस अवसर पर मैं अपने पुरानी सहयोगी श्री शक्ति सिन्हा जी को भी याद कर रहा हूं। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के डीजी इसके तौर पर कार्य कर रहे शक्ति सिन्हा जी का कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हुआ है। भगवान बुद्ध में उनकी आस्था, उनका समर्पण हम सबके लिए एक प्रेरणा है। साथियों, आप सभी जानते हैं, आज एक और महत्वपूर्ण अवसर है। भगवान बुद्ध के तुलसीता से वापस धरती पर आने का, इसलिए आश्विन पूर्णिमा को आज हमारे भिक्षुगण अपने 3 महीने का वर्षावास भी पूरा करते हैं। आज मुझे भी वर्षावास के उपरांत संघ भिक्षुओं को चीवर दान का सौभाग्य मिला है। भगवान बुद्ध का ये बोध अद्भुत है। जिसने ऐसी परंपराओं को जन्म दिया, बरसात के महीनों में हमारी प्रकृति, हमारे आसपास के पेड़ पौधे नया जीवन ले रहे होते हैं। जीव मात्र के प्रति अहिंसा का संकल्प और पौधों में भी परमात्मा देखने का भाव, बुद्ध का ये संदेश इतना जीवंत है कि आज भी हमारे भिक्षु उसे वैसे ही जी रहे हैं। जो साधक हमेशा क्रियाशील रहते हैं, सदैव गतिशील रहते हैं, वो इन 3 महीनों में ठहर जाते हैं, ताकि कहीं कोई अंकुरित होता हुआ कोई बीज कुचल न जाए, निखरती हुई प्रकृति में अवरोध न आ जाए। ये वर्षावास न केवल बाहर की प्रकृति को प्रस्फुटित करता है, बल्कि हमारे अंदर की प्रकृतियों को भी संशोधित करने का अवसर देता है। साथियों, धम्म का निर्देश है, यथापि रुचिरम पुपखम मणमंतम सुगंधकम एवं सुभाषिता वाचा सफला होती कुब्बतो। अर्थात, अच्छी वाणी और अच्छे विचारों का अगर उतनी ही निष्ठा से आचरण किया जाए तो उसका परिणाम वैसा ही होता है जैसा सुगंध के साथ फूल। क्योंकि बिना आचरण के अच्छी से अच्छी बात बिना सुगंध के फूल की तरह ही होती है। दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध के विचारों को सही मायने में आत्मसात किया गया है, वहां कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति के रास्ते बने हैं। बुद्ध इसलिए ही वैश्विक है क्योंकि बुद्ध अपने भीतर से शुरुआत करने के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का बुद्धत्व है सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्थात, हमारे आसपास, हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, हम उसे खुद से जोड़कर देखते हैं, उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जो घटित हो रहा है उसमें अगर हम अपना सकारात्मक प्रयास जोड़ेंगे तो हम सृजन को गति देंगे। आज जब दुनिया
पर्यावरण संरक्षण की बात करती है, क्लाइमेट चेंज की चिंता जाहिर करती है, तो उसके साथ अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध के संदेश को अपना लेते हैं तो किसको करना है इसकी जगह क्या करना है इसका मार्ग अपने आप दिखने लगता है। साथियों, हजारों साल पहले भगवान बुद्ध जब इस धरती पर थे तो आज जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध विश्व के करोड़ों करोड़ लोगों तक पहुंच गए, उनके अंतर्मन से जुड़ गए। मैंने अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े मंदिरों विहारों में ये साक्षात अनुभव किया है। मैंने देखा है कैंडी से क्योटो तक, हेनोई से हम्बनटोटा तक भगवान बुद्ध अपने विचारों के जरिए मठों, अवशेषों और संस्कृति के जरिए हर जगह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कैंडी में श्री डलाड़ा माइलागोवा वहां दर्शन करने पहुंचा था, सिंगापुर में उनके दंत अवशेष के मैंने दर्शन किए और क्योटो में किनका कुजी जाने का अवसर भी मुझे मिला। इसी तरह साउथ ईस्ट कंट्रीज के भिक्षुओं का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा है। अलग अलग देश, अलग अलग परिवेश, लेकिन मानवता की आत्मा में बसे बुद्ध सबको जोड़ रहे हैं। भारत ने भगवान बुद्ध की इस सीख को अपने विकास यात्रा का हिस्सा बनाया है, उसे अंगीकार किया है। हमने ज्ञान को, महान संदेशों को, महान आत्माओं के विचारों को बांधने में कभी भरोसा नहीं किया है। उसको बांध के रखना ये हमारी सोच नहीं है। हमने जो कुछ भी हमारा था उसे मानवता के लिए मम भाव से अर्पित किया है। इसलिए अहिंसा, दया, करुणा ऐसे मानवीय मूल्य आज भी उतनी ही सहजता से भारत के अंतर्मन में रचे बसे हैं। इसलिए बुद्ध आज भी भारत के संविधान की प्रेरणा है। बुद्ध का धम्म चक्र भारत के तिरंगे पर विराजमान होकर हमें गति दे रहा है। आज भी भारत की संसद में कोई जाता है तो इस मंत्र पर नजर जरूर पड़ती है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय। साथियों, आम तौर पर ये भी धारणा रहती है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव भारत में मुख्य रूप से पूरब में ही ज्यादा रहा, लेकिन इतिहास को बारीकी से देखें तो हम पाते हैं कि बुद्ध ने जितना पूरब को प्रभावित किया है उतना ही पश्चिम और दक्षिण पर भी उनका प्रभाव है। गुजरात का वडनगर, जो मेरा जन्मस्थान भी है, वो अतीत में बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अभी तक हम ह्यूएन सांग के उद्धरणों के जरिए ही इस इतिहास को जानते थे, लेकिन अब तो वडनगर में पुरातात्विक मठ और स्तूप भी एक्सकेवेशन में मिल चुके हैं। गुजरात का ये अतीत इस बात का प्रमाण है कि बुद्ध दिशाओं और सीमाओं से परे थे। गुजरात की धरती पर जन्मे महात्मा गांधी तो बुद्ध के सत्य और अहिंसा के संदेशों के आधुनिक संवाहक रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत महोत्सव में हम अपने भविष्य के लिए, मानवता के भविष्य के लिए संकल्प ले रहे हैं। हमारे इन अमृत संकल्पों के केंद्र में भगवान बुद्ध का वो संदेश है जो कहता है, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चुनो पदम,
अपमत्तान मियंती ये पमता यथामता, यानी प्रमाद न करना अमृत पद है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए आज भारत नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को साथ लेकर आगे चल रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। जब व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता है तभी वह संस्कार को भी प्रकाश देता है। यही भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा है, यही वो प्रेरणा है जो हमें दुनिया के हर देश के प्रगति में सहभागी बनाने की ताकत देती है। अपने इसी विचार को आज भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान बुद्ध के इन विचारों पर चलते हुए हम सब एक साथ मिलकर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भवतु सब मंगलम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए और यहां उनकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस संबोधन के साथ ही आज का अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित यहां का कार्यक्रम संपन्न होता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व, आपका चिंतन हम सबको यूं ही प्रेरित करता रहे, हमारा मार्गदर्शन करता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आभार जरूर हम व्यक्त करना चाहेंगे। आप सब अपनी तालियों के साथ करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का।